दोस्तों, हमारे दिमाग के अंदर जो ओवरथिंकिंग चलती है, दिमाग के अंदर जो बकबक चलती है, इसको कैसे मिटाएं, इसके ऊपर एक रियल केस कि कैसे 40 साल की महिला ने सीबीटी के हेल्प से अपनी ओवरथिंकिंग को पूरी तरह से मिटाया, इसी के ऊपर पूरा का पूरा केस मैं आप लोगों को समर्पित कर रहा हूं। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर राजस्थान से। बहुत अच्छे समझिएगा दोस्तों, किसी भी प्रकार की जो ओवरथिंकिंग होती है, ये ओवरथिंकिंग क्यों होती है, जब भी हमारे अंदर किसी भी प्रकार का फियर होता है, हमारे अंदर डर होता है, किसी भी प्रकार की इनसिक्योरिटी होती है, जो असुरक्षा का भाव होता है, उस असुरक्षा के भाव के कारण हमारे अंदर डर पैदा होता है और उस डर के कारण हमारे अंदर क्या होती है, ओवर थिंकिंग होती है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी ओवर थिंकिंग खत्म होए, तो फिर हमें हमारे डर को भी खत्म करना पड़ता है, और डर को खत्म करने के लिए हमें डर के सोर्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसको सही तरीके से एक्सप्लेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम उसको सही तरीके से समझ नहीं पाते तो हम डर से बाहर नहीं निकल पाते, और जब इससे बाहर नहीं निकल पाते तो हम हमारी ओवरथिंकिंग से भी बाहर नहीं निकल पाते। इसके ऊपर एक रियल एग्जांपल बता रहा हूं, 40 साल की महिला का। अब ये जो महिला है, ये अगर मार्केट में जाते हैं तब भी इनको डर लगता है कि उनके साथ में कुछ खराब हो जाएगा, कुछ बुरा हो जाएगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाएगी। इनके हस्बैंड बाहर जा रहे हैं, उनके साथ में कुछ खराब हो जाएगा, बच्चों के साथ में कुछ खराब हो जाएगा, कोई ना कोई बीमारी आ जाएगी, कोई ना कोई विपत्ति आ जाएगी, कुछ ना कुछ तो घर के अंदर दुख की चीज आएगी आएगी, ऐसा उनको डर लगता है। अच्छा, जब उनसे पूछा गया कि ऐसा डर क्यों लगता है, तो उन्होंने मुझे बताया कि सर, कुछ महीनों पहले हमारी कॉलोनी के अंदर एक जागरण रखा गया था, जैसे माता की चौकी होती है वैसे एक लोक देवता का जागरण रखा गया था, और उसमें सारी कॉलोनी वालों को इनवाइट किया गया था, उसमें हमें भी इनवाइट किया गया था, लेकिन हमारे कुछ व्यक्तिगत कारणों की वजह से हम जागरण में नहीं जा पाए थे। अब जागरण में नहीं जा पाए, मैंने वहां पे पड़ोसी जो है उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम जागरण में नहीं आए, तो उस पड़ोसी ने मुझे ऐसा बताया कि जो इन लोक देवता की जागरण में नहीं जाते, जो ये देवता है, ये नाराज हो जाते हैं, और नाराज होने के बाद में ये आपके घर के अंदर सांप बन के निकलते हैं, और जब सांप बन के निकलते हैं तो ये घर में किसी न किसी मेंबर को नुकसान पहुंचाते हैं, उसको डसते हैं, आपके घर के अंदर दुख आ सकते हैं, आपके घर के अंदर तांडव मचा देंगे ये। तो उसके बाद से सर मेरे दिमाग के अंदर ये डर बैठ गया, और मुझे लगातार क्या लगने लग गया, डर लगने लग गया, मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होने लग गई। तो यहाँ पर इस चीज़ को समझिएगा कि यहाँ पर जो डर का जो सोर्स है, वो एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, एक रॉन्ग एक्सप्लेनेशन है, किस चीज़ का, कि हम वहाँ पर नहीं गए तो उसके कारण अब देवता जो है वो घर में सांप बन के निकलेंगे, या किसी न किसी रूप में आके हमें डराएंगे, हमें दुख देंगे, ताकि हम देवता से गलती मान सके, ताकि हम पश्चाताप कर सके। इस चीज को बहुत अच्छे समझिएगा दोस्तों, जो नाराजगी है, बेसिकली जो है, जो यहां पे ये कहा जा रहा है कि हम नहीं गए तो देवता क्या हो गए, नाराज हो गए। बेसिकली जो नाराज होता है, नाराज जो होता है वो इंसान नाराज होता है। आप किसी के बुलावे पे नहीं जा रहे, किसी की शादी में नहीं जा रहे, किसी के घर में फंक्शन है उस फंक्शन में नहीं जा रहे, उसकी पार्टी में आप शामिल नहीं हो रहे, या फिर आप कहीं ऐसी जगह पे उपस्थित नहीं हो रहे जब उसको ज़रूरत है, तो नाराज जो होता है वो इंसान नाराज होता है। देवता, परमात्मा, ये नाराज नहीं होते, भगवान नाराज नहीं होते, नाराज कौन होता है, इंसान नाराज होता है। चूँकि हम पूरे दिन इंसानों से घिरे रहते हैं, और इंसानों के स्वभाव की हमारे अंदर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हुई हुई होती है कि इंसान को खुश करना है तो उसको कुछ देना पड़ेगा, और इंसान को अगर आप नहीं देते तो वो नाराज़ हो जाता है। तो पूरे दिन जिस चीज़ का अभ्यास होता है, वही चीज़ हमारा क्या बन जाती है, परसेप्शन बन जाती है। अब यहाँ से जो हमारे परसेप्शन बना हुआ है इंसानों के बिहेवियर का, उसी परसेप्शन को हम क्या कर रहे हैं, ईश्वर के ऊपर उसको जनरलाइज कर रहे हैं, परमात्मा के ऊपर उसको जनरलाइज कर रहे हैं, देवताओं के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, इसको जनरलाइज कर रहे हैं। समझिएगा कि जो हम मिस्टेक कर रहे हैं इंसानों के बिहेवियर को, ईश्वर के ऊपर क्या कर रहे हैं, जनरलाइज कर रहे हैं। भाई ये परसेप्शन ईश्वर के प्रति रखकर हम ईश्वर को भी क्या मान रहे हैं, इंसान मान रहे हैं। भाई कुछ तो अंतर होगा, ईश्वर अलग है, इंसान अलग है, इंसानों का स्वभाव अलग है, ईश्वर अलग है, प्रकृति अलग है, नेचर अलग है, परमात्मा अलग है। तो इस चीज को बहुत अच्छे समझने की जरूरत है कि आपके जाने या ना जाने से, आप जागरण में जाते हो या नहीं जाते, इससे देवता को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जागरण का जो वास्तविक मतलब है वो है आपके अंतर्मन का जागना, आपकी जो सेल्फ अवेयरनेस है उसका डेवलप होना, आपकी जो सेल्फ कॉन्शियस है उसका डेवलप होना। तो ये अगर आपके अंदर डेवलप हो रही है तो आपको किसी भी प्रकार के जागरण में जाने की जरूरत नहीं है। और अगर आप जागरण में नहीं जाएंगे तो देवता आपके घर में आएंगे नहीं, आपको डराने के लिए या आपके घर में दुख देने के लिए। तो चलो ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया, फिर ये बात क्यों बनी कि वो सांप बन के आएंगे।
दोस्तों ये क्या है, ये भी इंसानों की बनाई हुई बातें हैं, ये भी हमारी सोसाइटी की बनाई हुई बातें हैं कि जब आपको कोई इनवाइट करता है तो वो अपने घर के अंदर क्या है कि पूरा का पूरा तामझाम लगा के रखता है, मतलब उसने पूरा एकदम प्रदर्शन करने का एकदम मूड बनाया हुआ होता है कि मैं जो भी मेरे फैमिली मेंबर्स है, जो भी मेरे रिलेटिव्स है, जो भी मेरे फ्रेंड्स, उन सबको मैं बुलाऊंगा वहां पे, और जो मैंने अचीव किया सारा कुछ उनको दिखाऊंगा बताऊंगा, और उसी के अनुसार वो पूरी व्यवस्था करता है। अब उसने आपसे निवेदन किया कि उस फंक्शन में आप आइए, उस फंक्शन को आप अटेंड करिए, और जब आप वहां पर पहुंच नहीं पाते तो उसका पूरा का पूरा जो प्रदर्शन का प्लान है वो क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है, और वो बुलाने की उसकी तीव्र इच्छा है। तो अब आप उसके प्यार भरे निवेदन से जब नहीं पहुंच रहे तो फिर वहां पे डर वाला मामला शुरू होता है। जैसे आप किसी कंपनी में अगर नहीं जा रहे, आप जहां पर नौकरी कर रहे हैं, तो तुरंत वहां का जो मैनेजर है वो आपको बोलता है कि अगर नहीं आओगे तो आपकी सैलरी काट ली जाएगी, आपको जो भी यहां से बेनिफिट मिल रहे हैं वो सारे के सारे बेनिफिट कट कर दिए जाएंगे। तो वो बेनिफिट कट ना हो, सैलरी ना जाए, उसके डर के कारण हम कहां पहुंच जाते हैं, हम हमारे ऑफिस पहुंच जाते हैं, हम हमारी कंपनी में पहुंच जाते हैं, वहां पे काम करने लग जाते हैं। उसी तरीके से वहीं की जो ये लर्निंग जो साइकोलॉजी है उसको इन फंक्शंस के अंदर भी, देवताओं के जागरण के अंदर भी यूज किया जाता है। अब जो यूज किया जाता है तो इसी तरह की बातें प्रचलित हो गई कि अगर आप उस फंक्शन में नहीं आओगे तो आपके अंदर एक डर वाला थॉट डाल लिया जाता है, और आप चाहते नहीं हो कि घर में सांप निकले, आपके घर में दुख नहीं आए, तो आप फटाक से कहां पहुंच जाते हो, जागरण में पहुंच जाते हो, और वहां का जो प्रदर्शन है उसको देखने लग जाते हो। तो इस चीज को बहुत अच्छे समझिएगा कि हमारे अंदर जो फियर है दोस्तों, अगर हम फियर से फ्री होना चाहते हैं ना, तो हमें हमारे फियर के सोर्स को समझना पड़ेगा और उसको बहुत सही तरीके से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उसको सही तरीके से वैलिडेट करना पड़ेगा, उसको सही तरीके से डिस्प्यूट करना पड़ेगा। अगर हम सही तरीके से वैलिडेट नहीं करते, सही तरीके से डिस्प्यूट नहीं करते, तो हमारा जो फियर है वो लगातार बना रहता है। तो इन महिला ने अपने इस फियर को कंटिन्यूसली वैलिडेट किया, इसको डिस्प्यूट किया, सही एक्सप्लेनेशन बार बार दी कि मैं इंसानों वाले परसेप्शन को कहाँ पे लगा रही हूँ, देवताओं पे लगा रही हूँ, और ये जो सोसाइटी की बनी हुई बात है, वो जो फियर वाली बात है, अपनी बात मनवाने के लिए वो आपको क्या करते हैं, डराते भी हैं। तो ये कौन डराता है, ये इंसान डराता है, ईश्वर नहीं डराता, ईश्वर को कोई मतलब नहीं है, तुम करो चाहे ना करो उसके लिए तुम खुद भुगतने वाले हो, ईश्वर को कोई लेना देना नहीं उस चीज़ से। आप अगर गाड़ी 200 की स्पीड से चलाओगे और भले आप जुबान पे ईश्वर का नाम लेके चल रहे हो तो भी आपके एक्सीडेंट होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तब आप वहाँ पे शिकायत कर सकते हो कि सर मैं तो भगवान का नाम ले रहा था बट फिर भी मेरी गाड़ी ठुक गई। भाई इसमें भगवान क्या करेंगे, आप 200 की स्पीड से 300 की स्पीड से सड़क पे गाड़ी चलाओगे जहां पर स्पीड लिमिट जो है वो कम है, और आप हाई स्पीड में अगर गाड़ी चलाओगे तो गाड़ी ठुकेगी ठुकेगी, इसमें ईश्वर क्या कर लेंगे। तो यहाँ पर इस चीज़ को बहुत अच्छे समझने की जरूरत है, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और दोस्तों हम लोगों ने हमारे इस परसेप्शन को, हमारी ओवरथिंकिंग को, हमारे फियर को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए, इसके सोर्स को बहुत अच्छे समझने के लिए, किस प्रकार से हम सोर्स को आइडेंटिफाई करें, कैसे हम हमारे फियर के थॉट को वैलिडेट करें, डिस्प्यूट करें, इसके ऊपर पूरी एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा कोर्स लॉन्च किया हुआ है CBT का, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जिसको आप अपने अंदर इंस्टॉल करके अपने फियर को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं, अपनी ओवर थिंकिंग को पूरी तरह से हटा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।